हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मगध विश्वविद्यालय बोधगया से साइंस और कॉमर्स का कल देर शाम कॉमर्स का, आज सुबह में आपका साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पार्ट टू का सेशन 2016-19 का, जो लोग अभी तक रिजल्ट नहीं देख पाए आप लोग वेट कीजिए, अभी सर्वर का इशू है। एक एक कॉलेज का रिजल्ट आया है, क्योंकि इस बार जो नॉन एफिलेटेड कॉलेज है उनको भी सरकारी कॉलेज से टैग कर दिया गया था। तो अगर आप नॉन एफिलेटेड कॉलेज के हैं और आपका रिजल्ट पेंडिंग बता रहा है तो आप लोग निराश नहीं होइए, आपका भी रिजल्ट आएगा। अभी सर्वर इशू चल रहा है, कल आपका आर्ट्स का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। सबसे बड़ा अपडेट आपको यहां पे बताने जा रहे हैं, आप लोग का परीक्षा फॉर्म 28 तारीख से भराने वाला था। आपको प्रभात खबर के आर्टिकल में एक बताया गया था, उसमें आपको मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपडेट दे दिया था। जो लोग इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे फेसबुक पेज एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का, वहां से जाके आप हमारे पेज को लाइक करके पूरा नोटिस को पढ़ सकते हैं। तो चलिए नोटिस को आपको दिखाते हैं, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है मगध यूनिवर्सिटी पार्ट टू 2016-19 स्टूडेंट के लिए। ये नोटिस को देख सकते हैं, यहाँ पे साफ क्लियर किया गया है, स्नातक तृतीय खंड 2019 के परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क जमा करने के संबंध में यहाँ पे आपको बता दिया गया है, बिना विलंब शुल्क के साथ आप कल से 28/8 से 2/9 तक अपने महाविद्यालय कॉलेज में और विश्वविद्यालय में 3/9/2019 तक भर सकते हैं। वही विलंब शुल्क के साथ आप 3/9/2019 से 6/9/2019 तक महाविद्यालय में भर सकते हैं, 7/9/2019 तक आपका विश्वविद्यालय में भराएगा। बहुत बड़ी अपडेट, आप लोग का पार्ट थर्ड का फॉर्म कल से भराना शुरू हो जाएगा, जो आपका बिना विलंब शुल्क के साथ 2/9 तक और विलंब शुल्क के साथ 6/9 तक कॉलेज में भरा आएगा। जो लोग फॉर्म को भरना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी जो भी कॉलेज है आपका वहां से संपर्क कीजिए, कल से आपका फॉर्म भराने लगेगा। तो इस नोटिस को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा पे जाके पेज को लाइक करके नोटिस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कल से आपका फॉर्म भराएगा, फॉर्म भर दीजिए। जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं देख पाए हैं लोग, सर्वर डाउन चल रहा है, जल्द ही आप रिजल्ट देख पाएंगे। एक एक कॉलेज का रिजल्ट आएगा, जो प्राइवेट नॉन एफिलेटेड कॉलेज है उसका भी रिजल्ट आएगा। आप लोग अगर देख रहे होंगे पेंडिंग बता रहे हैं, तो आप लोग ये मत समझिए कि आपका रिजल्ट पेंडिंग हो गया है, क्योंकि आप लोग को नियरेस्ट कॉलेज से टैग कर दिया गया है। एक एक बच्चा का रिजल्ट आएगा, आपको यहाँ पर हम आश्वासन देते हैं, आप लोग वेट कीजिए, कल तक आर्ट्स का भी रिजल्ट आ जाएगा। जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।